अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है राजा सरोज सोहेब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैनल बॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आईएमडीसी का स्पोर्ट्स इवेंट कवर कर रहे हैं। मेरे पीछे आज डे टू के अंदर फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस जारी हैं। इस वक्त जो है सेकंड सेमीफाइनल जो है वो खेला जा रहा है। इससे पहले जो मैचेस हुए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे आज के शो के अंदर, और इसके अलावा जो मैचेस होने वाले हैं उनको भी कवर करेंगे। एक और बहुत स्पेशल चीज़ है, आज फीमेल जो फुटबॉलर्स हैं उनके बीच में भी मैचेस होने हैं, सो वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल। यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट व्हाट एल्स इज गोना कम। सो लेट्स स्टार्ट द शो। I just want to ask you, okay, what is that thinking that, you know, when these players go in the ground, jab ye match khelne ke liye jaate hain, inko kis thought process ke through jana padta hai? Kyunki aaj jaise ki aapne dekha ki weather condition bhi kafi harsh hai, kafi garmi hai, upar se competition level bhi kafi zyada hai, to us sare process ke andar what are they thinking when they go in the ground? The most important thing in any sports is self belief. Sabse pehle aapko ye sochna hai ki aap jeetenge, aapko haar ka khauf nahi hona chahiye. स्पोर्ट्स में आप हारते भी हैं जीतते भी हैं, बट अल्टीमेट विनर, अल्टीमेट चैंपियन लाइफ में आप एक्चुअली हार के खौफ को दूर करके बनते हैं। हारते हैं और लाइफ, दुनिया में कभी कोई चैंपियन नहीं बना जिसने हार नहीं देखी। जो सिर्फ जीतते हैं वो चैंपियंस नहीं होते, जो हार के कमबैक करते हैं वो चैंपियंस होते हैं। जो अंडरडॉग्स होते हैं और अपनी विल पे, अपनी डिटर्मिनेशन पे, अपनी मोटिवेशन पे किसी भी चैंपियन टीम को हरा सकते हैं, वो असल चैंपियंस होते हैं। इट्स ऑल इन द माइंड, नॉट इन द मसल। सो स्पोर्ट्स इज मोर अ माइंड गेम देन अ मसल गेम, और इंशाल्लाह आई बिलीव के जैसे BDS ने मेरे से टिप्स ली, BDS वांटेड टू शेयर समथिंग विद मी एंड दे वांटेड टू टॉक टू मी सो दैट आई कैन इनकरेज देम, और बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनको किया। Match is going on. Let's see what happens. I just in the end want to ask you कि अभी overall जो competition रहा है उसको आप कैसे analyze कर रहे हैं? Competition tough है students के बीच में, considering the fact कि resources football की पाकिस्तान में generally बहुत कम है। इस सारी situation के अंदर जो ये players इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको कैसे लग रही है? देखें, football या any sport, इसमें सिर्फ career नहीं देखी जा सकता, ये आपकी personal development है। Human development के लिए sports बहुत ज़रूरी है, और आई बिलीव कि IMDC बहुत अच्छा हर साल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाता है, एंड आई हैव सीन अ वेरी गुड टूर्नामेंट हेयर। आई हैव सीन पीपल इम्प्रूविंग, आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग अप टू द मार्क। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू इन्जॉय इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड एट द सेम टाइम द कॉम्पिटिशन इज देयर, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू कम्पीट, यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, बट इन एन ऑर्गेनाइज वे, in a healthy and decent way. Match काफ़ी अच्छा गुजरा, काफ़ी टफ था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना टफ होगा, लेकिन एंड में उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ रही आपके लिए डिफेंड करना, what was that about the other team? उनका एक विंगर था, उसने बहुत प्रॉब्लम्स कॉज किए हैं, तो वो बहुत मुश्किल था डिफेंस करना उसके खिलाफ, लेकिन बस आगे अटैकर्स ने काम कर दिया है, काफ़ी है। मेरे साथ ये भी बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आई नो वेदर कंडीशन आज बिल्कुल फेवरेबल नहीं है इस तरह के मैचेस खेलने की, लेकिन आपका मोराल मुझे काफ़ी हाई लग रहा था थ्रू आउट द मैच, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे टू द व्यूअर्स? आप कितने मोटिवेटेड हैं टू विन दैट फाइनल ट्रॉफी, और एनी थिंग दैट यू वॉन्ट से? जी बस वो अंडरडॉग से ना, सबसे जूनियर मोस्ट टीम है कह लें एक तरह से, क्योंकि BDS भी यूनाइटेड है, वो सारी फोर ईयर्स की है, तो मैंने बॉयज़ को यही कहा था बस के दिल लगा के खेलो। और इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं मैच जो है वो काफ़ी इंटेंस हो चुका है, जो प्लेयर्स हैं वो आपस में थोड़ा बहुत नज़र आ रहे हैं कि एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, लेकिन यू नो इट्स अ स्पोर्ट्स गेम एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज़ द फर्स्ट थिंग विच शुड बी देयर, सो वी आर जस्ट होपिंग कि मैच जो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। स्टे विद मी।
मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी एक मैच हुआ है बिटवीन फीमेल फुटबॉल प्लेयर्स, उनकी मेन प्लेयर आई वुड से, क्योंकि आपने ज़बरदस्त स्कोर किया है. तो सबसे पहले मुझे बताएगा आपका नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और फिर जो ओवरऑल मैच रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मेरा नाम अमल ज़ाहरा है, मैं MBBS फर्स्ट ईयर से हूँ, और ओवरऑल मैच काफ़ी अच्छा था, हमारा डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से काफ़ी लाइक गोल्स बचे हैं. वर यू मोटिवेटेड इनफ और डिड यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस बिफोर गोइंग इन दैट यू विल विन दिस मैच? आई होप कि हम जीत जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस लाइक थोड़ा सा था, इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज सारे अभी लाइक फर्स्ट टाइमर्स थे इतने. यू थिंक यू वर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ? आई गेस सो, बिकॉज यू वन द मैच नाउ क्लियरली एंड यू डिड सो वेल. Acha, you can you tell me about the competition level between the two teams, because I can completely see ki jo females hain, this is the first match which was played between them in this football tournament, and you guys played really well. So what do you have to say about the competition level in this match, specifically considering the fact that you guys were girls? They had really good shooters, and we didn't, but like we had really good defense, which was our plus point. Can you tell me something about ye jo match abhi chal raha hai, how are you finding it overall? It's pretty good. They played really well, we weren't expecting that, and it's nice to come out and get a break from all your busy routine, from your studies and everything, and just demonstrate some sportsmanship. Helps you learn how to work as a team, and gives you a nice motivation, and you know, just like a break from everything. So it's good to come here and see them play, demonstrate such values. आदिल, कैसा लग रहा है मैच आपको अभी तक? यार अभी तक जो मैचेस हुए बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए, बहुत एक्साइटिंग मैचेस थे. जिस तरह से सेमीफाइनल्स दोनों हुए, दोनों टीम बहुत अच्छी खेली है, खास करके सेकंड सेमीफाइनल में जो BDS हार गई है. और फाइनल में क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीत सकती है? फाइनल में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह थर्ड ईयर खेलती आ रही है पूरी टूर्नामेंट में, तो उनके खिलाफ एक गोल भी नहीं हुआ है, तो फाइनल भी उनकी है. आज मेरे साथ Day-2 पे एक दफा फिर से जुनेद मौजूद है. जुनेद, यू वर जस्ट प्लेइंग राइट नाउ एंड आई कैन सी कि आप ये मैच जीत चुके हैं, सो यू इन द फाइनल्स, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई फील ग्रेट अबाउट दिस. सब दोस्तों का जो है सपोर्ट थी यहाँ पे, आज हमारी क्लास के भी काफ़ी लोग आए थे, कल इतने नहीं थे बट जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. हमारा माइंड सेट था फाइनल का, पिछले साल भी हम सेमीफाइनल से पहुँचे थे, इस साल भी यही हाल है कि हमने इमेजिन किया हुआ था कि हम फाइनल तक ही जाएंगे और हम गए हैं. अब फाइनल जीतना तो वो तो डिपेंड्स ऑन द किसका दिन है, किस टीम की ज़्यादा मोटिवेशन है, हमारी ज़्यादा मोटिवेशन है अपनी तरफ. जुनेद, आपको इस टाइम कॉम्पिटिशन कैसा लग रहा है, स्पेशली जो अभी आपने मैच खेला है, इसमें आप कॉम्पिटिशन को कैसे रेट करें? अच्छा, आई ऑनेस्टली फील कि BDS यूनाइटेड जो है उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स भी, जूनियर प्लेयर्स भी हैं, फ्रेश लोग दो तीन आए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, बिल्कुल नए लोग थे. उनका ये होता है कि दे ब्रिंग रिचनेस इन टू द स्पोर्ट, और आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कॉम्पिटिशन लाती है. हमारे पास वही पुराने प्लेयर्स हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. उनका माइंड सेट नए थे, दे फेल्ट उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, उनकी टीम नहीं स्ट्रॉन्ग थी. उनके पास सारे मेन लीग के प्लेयर्स थे, लेकिन माइंड सेट की सारी बात होती है, माइंड सेट नहीं था उनके पास, वो नहीं जीत पाए. वंडरफुल. और डू यू थिंक यू आर गोना विन द फाइनल और ट्रॉफी आप जीत जाएंगे? ओह, वी डेफिनेटली थिंक वी विल विन द फाइनल, बिकॉज फर्स्ट ईयर वाले नया जोश है, जिन्होंने हम 3 साल से खेल रहे हैं, 3 साल से जीतते हैं बाकी सारी स्पोर्ट्स, ये भी जीतेंगे इस साल. को नहीं लग रहा थोड़ा अंडर एस्टिमेट करे, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर अगर उनकी तरफ से आ गया और आप मैच हार गए तो फिर क्या होगा? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इम्प्रोविजन इन द गेम. हम इम्प्रोवाइज करके खेलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका स्पिरिट डिपेंड करता है. हम फाइनल जीतने आए हैं, फाइनल से पहुंचना पहला स्टेप था, आखिरी स्टेप इस फाइनल जीतना, ट्रॉफी घर लेके जानी है, अम्मी को दिखानी है जाके. दैट्स द स्पिरिट यू नीड, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग मी जुनेद, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल.
और इसी के साथ मैं आज के शो के इख्तिताम पर पहुंच चुका हूं। जैसे कि आपने कुछ देर पहले देखा था, MBBS थर्ड ईयर के कैप्टन काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अबाउट विनिंग दिस मैच, और यही हुआ, उन्होंने MBBS फर्स्ट ईयर को हरा दिया है उनकी टीम ने, एंड दे हैव वन दिस टूर्नामेंट। आई होप यू लाइक इट। ये टूर्नामेंट जो था 2 दिन पर मुश्तमिल था, वी कवर्ड इट कम्प्लीटली एंड आई होप दैट यू लाइक आवर कवरेज। इसी के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।